शनिवार को महानगर में कुकरी वर्कशॉप में हिस्सा लेने पहुंचे मशहूर शेफ संजीव कपूर से सन्मार्ग ने खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान संजीव कपूर ने बतौर शेफ अपने शुरुआती दिनों के अनुभव के साथ ही अपने कुकिंग स्टाइल के बारे में बताया। जो इंडियन फूड है, जो भारत का खाना है, उसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतनी ज़्यादा डेप्थ है, इतनी रिचनेस है, हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो इतना बड़ा है कि खाने पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही। तो मैं उसको उसमें मेरी कंट्रीब्यूशन कोई बहुत ज़्यादा हो नहीं सकती है, क्योंकि जब ऐसे ऐसा जो इतिहास हो, ऐसा कल्चर हो, तो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, उससे सीख लेनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितनी चीज़ें मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, मेरी जो कंट्रीब्यूशन होती है मैं उसको रेलेवेंट बनाता हूँ कि आज के हिसाब से और आने वाले कल के लिए वो रेलेवेंट होगी या नहीं होगी। मतलब आज से 100 साल पहले इंडिया में रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, तो हमारे जो खाने का तरीका पहले था और अब है, उसमें फ़र्क होना चाहिए। अब चीज़ों को उतना ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। पहले खाना जब बनाते थे तो उसमें एक करी बनाई, उसके अंदर तेल भी ज़्यादा, मसाले भी ज़्यादा, नमक भी ज़्यादा, क्योंकि कहीं ख़राब नहीं हो जाए, तो इसलिए तेल से प्रिजर्व होता है। जैसे अचार वगैरह में, पिकल में प्रिजर्व होता है, तो ज़्यादा डालना पड़ता था, नमक ज़्यादा डालना पड़ता। अब ज़रूरत नहीं है, तो मैं उन चीज़ों को, जो पुरानी अच्छाइयाँ हैं, उनको बरकरार रख के आने वाले समय के लिए उसको रेलेवेंट बनाता हूँ। इसके साथ ही एस मास्टर ने भारतीय व्यंजनों की वैश्विक लोकप्रियता और घर में बने खाने एवं इंडियन स्ट्रीट फूड की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। देखिए, स्ट्रीट फूड जो है वो मतलब बहुत एक अभिन्न हिस्सा कहूँगा इंडियन फूड का। जो वर्ल्ड जानता है ज़्यादा, वो रेस्टोरेंट स्टाइल इंडियन फूड को जानता है, लेकिन जो रियल इंडियन फूड है, मैं कहूँगा वो होम स्टाइल इंडियन फूड होता है। तो पर वो किसी भी चीज़ में पहले जो ट्रेंड्स आते हैं वो पहले आउट ऑफ होम डाइनिंग में आते हैं, तो ठीक है। लेकिन अब मेरे ख्याल से समय जो है वो स्ट्रीट फूड और होम स्टाइल फूड का है, जो सिर्फ घरों में नहीं, और जगह स्ट्रीट फूड फैंसी रेस्टोरेंट्स में भी मिलेगा, और जो होम स्टाइल फूड है वो भी फैंसी रेस्टोरेंट्स में मिलेगा। वहीं एस मास्टर संजीव कपूर ने अपनी कामयाबी के लिए माता पिता द्वारा दिए गए परवरिश को महत्वपूर्ण बताया। कोई भी चीज़ में कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती, इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन, सारी चीज़ों को मिला के ही होता है। आपकी जो परवरिश है, जिस हिसाब से आप बड़े हुए, जिस तरह से आप सोचते हैं, जिस तरह से आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, जिस तरह से आपने मेहनत करी, वो कॉम्बिनेशन होता है। ये कोई एक चीज़ कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये सक्सेस क्या हो जाती है, वो जर्नी ऑफ लाइफ टाइम है, उसको किसी एक चीज़ में नहीं पिरोया जा सकता। मैं यही कहूँगा कि जो खाना बनाते हैं, एक तो प्यार से खाना बनाएं, क्योंकि खाने के थ्रू हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो किसी के लिए भी खाना बना रहे हैं, वो प्यार से बनाएं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बनाएं, और जो खा रहे हैं वो भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसको खाएं। अगर खाने का पूरा मज़ा लेना है, सिर्फ मज़ा जो है वो ज़िंदगी में सिर्फ ज़बान का मज़ा नहीं होता, अगर उसका पूरा रस लेना है तो पॉजिटिविटी के साथ में उसको पकाएं, पॉजिटिविटी के साथ में उसको खाएं।